हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार, कोस्ट गार्ड नाविक, जीडीपी यात्री का कुछ ऐसा मैं दिखाने जा रहा हूँ ना कि आपके अंदर का मोटिवेशन आज जाग जाने वाला है। रियली मैं बोल रहा हूँ, बहुत धमाकेदार होने वाला ये वीडियो। इतने सारे रिजल्ट दिखाऊंगा और आपके डिमांड्स भी मैं पूछने वाला हूँ यहाँ पे कुछ। उसके बाद कुछ और अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जिसको देख के ना आपको विश्वास हो जाएगा कि क्या 60 में 50+, 53, 54, 55 स्कोर करना पॉसिबल है। आप कह रहे हो पॉसिबल है, और हमारे बच्चे पेड बैचेस वाले बच्चों ने उतना स्कोर कर रखा है। मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको, उनके स्क्रीनशॉट ले लेके मैं रख लेता हूँ। क्या पता ये कब निकम में पलट जाए। कोई ठीक थोड़ी है इंसान का, कोई यूट्यूबर आके कह दे हमारे पास तू पढ़ा था, कुछ पैसे ले ले, बिक जाएंगे भाई। हमने पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वाइज जो है ना उनका रिजल्ट रख रखा है अपने पास। तू कभी पलट तो मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? दैट इज क्लियर। हम ना तो किसी को पैसा देते और ना ही कहते कि तुम मेरा कभी नाम लेना, बस अपना रिजल्ट आया तो हमारे साथ शेयर कर दो। हम नाम भी तुम्हारा नहीं कहेंगे, हम ढिंढोरा भी नहीं पीटेंगे कभी कि हमने तुमको पढ़ाया, हमने तुमने पढ़ाया। तुमको खुद खुशी से मनो तो इंटरव्यू दे देना, ना मनो अपने घर जा, ठीक है? बट रिजल्ट तो हम दिखाते हैं। सबसे पहले वो सब छोड़ो, जीडीडीबी यांत्रिक की तैयारी कैसे करनी मैं बताऊंगा, शुरुआत कहाँ से करना ये चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्शन आपका हो के रहेगा, अगर आपका फेज टू वगैरह टन से रहेगा तो। अब तो फेज टू का जो रिटेन होगा एक ना OMR पेपर पे, SRT वगैरह, IEEE टेस्ट, वो भी तैयारी मैं करा ही दूंगा। अभी थोड़ी सी ना आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, मेरी एक दो दिन से फीवर थोड़ा वगैरह रखा है, तो जैसे ही ठीक होता है कोस्ट गार्ड की क्लासेस वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लासेस में क्या स्टार्ट करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले मैं करा दूंगा। एयरफोर्स का भी मैं ऐसे ही कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे करा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लासेस कराता हूँ, ठीक है? तब तक कुछ चीज़ें देखो, आपको ट्रस्ट हो जाएगी कहाँ पेड बैचेस लेके पढ़ना है, कहाँ पे सस्ता में लोग, मतलब कहते हैं ना कि सस्ता सस्ता कर दो सारे लोग जुट जाएंगे हमारे पास कम प्राइस में। पटना में भी जब हम गए थे तो हमारे साथ यही हुआ था, कुछ कुछ टीचर्स हल्का हल्का प्राइस दिखा के हमको लूट लाई, लेकिन जब हम गए वहाँ पे ना पता चला कि हम मच्छर मार रहे हैं क्लास में। तो वो चीज़ें नहीं, कि मतलब है ना कि सस्ता पैसा देख के कहीं पहुँच जाओ, भले उनके पास एक्सपीरियंस है चाहे नहीं। हमारी पेड बैचेस की प्राइसेज हाई रहती हैं, रीज़न होता है इसके पहले का। देख भाई, आप खुद देख लो, ये कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 001/2023 बैच मैंने खुद दे रखा था। फोटो दिख रहा, फोटो दिख रहा है ये जनाब, ये मेरा अपना फोटो है जब मैंने फॉर्म फिलअप कर रखा था। तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट है, नाविक तो रहने दो, इनसे कई गुना ज्यादा ऊपर डिफिकल्ट लेवल का असिस्टेंट कमांडेंट होता है। जीडी पोस्ट से मैंने अप्लाई कर रखा था, OBC से हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं ले, मेरे डेट ऑफ बर्थ 1998 की है, तो मैं नाविक के लिए नहीं भर पाऊंगा, तो मेरे को OBC से कोई मतलब ही नहीं रहता है। मेरे कट ऑफ से हमेशा मतलब जनरल्स में पार रहता हूँ, ठीक है? चाहे वो CPO हो, चाहे वो ये वगैरह जो भी है, बात अलग है। CPO का आपको मैंने दिखाया था ना बहुतों को रिजल्ट, कि मेरे को BP वगैरह में आउट कर रखा है इन्होंने, तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, चल आउट तो आउट, बहुत कम आ रहे हैं, मेरे को टेंशन नहीं है सब चीज़ों का। मेरा जो पढ़ाने में मज़ा आता है, फिर अगली किसी सरकारी नौकरी में मज़ा नहीं है। तो ये जो था, ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देख लो यहाँ पे गाइस। फिर जब रिजल्ट आया ये, तो मेरे को स्टेज टू में बुलाया गया था, मैं नहीं गया। तो ये चीज़ जिस दिन स्टेज टू में बुलाया गया था ना, उस दिन आपको पता हो चाहे नहीं, हो अपने बच्चे हो, अब मैं ज़्यादा आपसे ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं। उस दिन मैं YouTube पे लाइव पढ़ा रहा था, बच्चे पूछ रहे थे सर आपका तो आज स्टेज टू था तो आप गए क्यों नहीं। मैंने बोला कि स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं रिटेन देने जाता हूँ ताकि मैं खुद एग्जाम क्रैक करूँ अच्छे से एग्जाम, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो वो जो चीज़ें होती है ना, तो आपको मैं ढंग से पढ़ा पाऊँ। मेरे को पता रहे कि एग्जाम कोस्ट गार्ड एयरफोर्स क्या पूछता है, इसके पहले मैंने FKT वगैरह सब क्रैक कर रखा है, रिटेन ही मैं क्रैक करता हूँ, उसके बाद मैं नहीं जाता हूँ। दैट इज़ क्लियर। आप कहोगे ठीक है, आप अपना तो तमाशा दिखा रहे हो, आप जिसको पढ़ाते हो उसको दिखाओ। देखो, ठीक है, ये देखो, ये सारे रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं भाई, सारे रिजल्ट हमारे पढ़ाए बच्चों के हैं, दिख रहा है? ये 02/2023 बैच का, सारे 02 मतलब पिछली बैच का रिजल्ट है ये, दिख रहा है आपको? ये EWS का, इनका पता नहीं, फोटो देख लो, सारे डिफरेंट होंगे, एक फोटो को हमने रिपीट नहीं किया, ऊपर में उनका फोटो भी रहता है, दिख रहा है आपको? सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के फोटो हैं। ये देखो दूसरा फोटो है, ये अवन कुमार है, ये दूसरा फोटो है, ये बच्चा AC कैटेगरी से थे, इनका EWS से था, इनका पता नहीं चल पा रहा। ये सारे स्टेज टू के लिए क्लियर थे, ये ST कैटेगरी के बच्चे का था हमारा, ये EWS के बच्चे का था। ये येलो ड्रेस देख लो, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इन बच्चे का जो दिख रहा वाइट ड्रेस, ये कहीं और नहीं मिलेगा। और मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इस बच्चे ने उसी टाइम का, देखो उसी टाइम का ये स्क्रीनशॉट वगैरह सब होता है, जब रिजल्ट आता है तभी हम लोग मांगते हैं चलो दो। तो इन्होंने कहा था थैंक यू सर, टोटल आपके PDF वगैरह यूट्यूब क्लासेस से फंसा था, ठीक है, एग्जैक्ट फंसा था, जब रिजल्ट इन्होंने आया ना तब भी भेजा था। इन्होंने कहा था कि बाहर आके हमने नारा भी लगाया A to Z स्टडी जिंदाबाद, ठीक है। बाकी इनका रिजल्ट आप देख रहे हो, हेलो भाई, गुड इवनिंग ब्रो, कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आ गया भाई, आई एम गेट सिलेक्टेड वंस अगेन, मतलब ये दोबारा से
इनका सिलेक्शन हुआ है स्टेज टू में, पहले शायद छठे हुए इंसान थे, अभी स्टेज टू में उम्मीद है कि हो गए होंगे। मतलब हर बच्चे से कॉन्टेक्ट करके पूछते नहीं है, बच्चे जो खुशी खुशी बताते वो चीज़ अलग है। तो ये सारी रिजल्ट मतलब ऐसे नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने जान लगा रखा होता है पेड बैचेस में पढ़ने से, या फिर यूट्यूब पे भी जान लगा रखा होता है, तभी होता है। पेड बैचेस से फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है मैं बताऊँ क्या? मेरी यूट्यूब की कंटेंट से क्या नहीं होता सिलेक्शन? हो सकता है सिलेक्शन, ऑब्वियस हो सकता है, बशर्ते कि वहाँ पे आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। पेड बैचेस वर्सेज यूट्यूब में क्या फर्क है मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करना है। पेड बैचेस और यूट्यूब वीडियो में फर्क होता है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजों को आपको ढूंढ ढूंढ के नोट्स बना के पढ़ना होता है खुद से, ठीक है। पेड बैचेस में ये फर्क होता है ना कि आपको सिक्वेंस में पूरा चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ा के दे रखा है, सेक्शन वन का, ठीक है। 60 नंबर का जो पेपर होता है, हमने जीडी वालों को भी, अभी देखो हमारे यहाँ से जीडी का भी रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं कि हम डीबी का ही रिजल्ट देते हैं, ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे होंगे। ये भी देखो जीडी का ही रिजल्ट है, ये भी देखो जीडी का ही रिजल्ट है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये भी देखो जीडी का ही रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे जीडी का भी रिजल्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अब होता कैसे मैं बताता हूँ, सेक्शन वन में मैं इतना स्कोर कराता हूँ 55-54 के करीब करीब, कि सेक्शन टू में उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, वही रिजल्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है। अब तो ये सब तो नौटंकी था रिजल्ट का, अब आ जाता है तैयारी कैसे शुरू करना। बाकी पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्राइसेज हाई रहती है और हाई ही रहेंगी। मैं भी 900 रुपये में सेक्शन वन के लिए दे रहा हूँ ना, अभी 22 सितंबर के बाद मैं 1200 करूंगा। भले मेरे पास देखो, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर 10 लाख बच्चे हो कोस्ट गार्ड की, उनमें से मेरे को 20 बच्चे ही चाहिए पढ़ाने के लिए, मेरे को जरूरत नहीं है 10 लाख में, 8 लाख 7 लाख चाहिए, जाओ 8 लाख या फिर 10 लाख तुम वहीं जाओ जहाँ पे कम प्राइस पे मिल रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इस बार वहाँ पे मैं पैसे दे रहे हो, अगली बार मेरे को दोगे ही दोगे, 100% दोगे पैसे आप पेड बैचेस के लिए, क्योंकि इस बार आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि 400-500 पे जो पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं मेरे को भी पता है, ठीक है ना। क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक की बैचेस इतनी ईजी नहीं होती जितना सेक्शन वन बोल देते हैं सब लोग, इसमें जान लगाना पड़ता है। अगर इस बैच में ज्वाइन करना है तो आ जाओ टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। बाकी किसी को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि हमारी बैचेस से पढ़ के ही होगा, आप मेरी यूट्यूब क्लासेस पढ़ के भी कर पाओगे। रीजन है ना कि इसका जो सिलेबस होता है, बिना सिलेबस देखे कुछ लोग पढ़ा के निकल जाते, वो चीज़ें नहीं। सिलेबस जो एसएससी से हटकर है, मैं बोलता हूँ एसएससी जीडी जो क्वालिफाई कर रखा है, एमटीएस क्वालिफाई कर रहा है, और उसको मैं कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के एग्जाम में बैठा दूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसे नहीं निकलेगा। अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें से ना 70 बच्चों से नहीं निकलने वाला, 30 बच्चे निकालेंगे। अगर किसी ने कोस्ट एसएससी जीडी निकाल रखा है, एसएससी एमटीएस निकाल रखा है, उसको मैं अगर डीबी में एग्जाम में बैठा दूँ 100 बच्चों को, तो उसमें से 70 से नहीं निकलेगा, 30 से निकलेगा। 30 से वही निकलेगा जिन्होंने 10th क्लास में जान लगा के पढ़ा है, 9th क्लास में जान लगा के पढ़ा है, बिकॉज एसएससी से सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अंदर। इसमें दबा के लीनियर इक्वेशन पूछता है, पॉलीनोमियल्स भी पूछता है इसके अंदर, ज्योमेट्री भी अच्छा खासा पूछता है, जो कि आपको एमटीएस और जीडी के अंदर ज्योमेट्री देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं ठीक ठाक पूछे जाते हैं, तो भाई तैयारी कहाँ से करें? ओवरऑल उनको ये बताओ, वो सब छोड़ो, डरवाओ मत, मैं डरा नहीं रहा, आपको रियलिटी फेस करा रहा हूँ कि अब आपको तैयारी कैसे करना है। सुनो, अगर आप चाहे जीडी से दे रहे हो, चाहे अगर आप डीबी से दे रहे हो, अगर आप यांत्रिक से दे रहे हो, एक चीज़ ध्यान देना, आपको यांत्रिक अगर दे रहे हो तो आपको हर कोई सेक्शन वन की तैयारी कराएगा, सेक्शन 2, 3, 4, 5 जो भी चीज़ है इनका, 2 तो नहीं आता, 3, 4, 5 जो पूछा जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने जहाँ से ट्रेड्स के लिए पढ़ रखा है। अगर डिग्री खरीदे हो तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिग्री खरीद के अगर बैठे हुए हो तो फिर मैं डायरेक्टली बोलता हूँ नहीं होने वाला, क्योंकि डिग्री खरीदे हो तो आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी डिग्री खरीदे हो तो आप सिलेक्शन की उम्मीद ही मत रखो। अगर आपने सच में पढ़ रखा है अपने डिप्लोमा के टाइम पे, अगर आपने पढ़ रखा है, तो जिस ट्रेड को लेके आपने पढ़ रखा है, जो नोट्स आपने बनाए, जिस बुक को आपने रेफर किया, उसके जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, या फिर उसके जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उनको फॉलो करो, उनका रिविजन करो, सेक्शन वन की बैचेस हमसे लेके पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। सेक्शन वन में आप 55 स्कोर कर पाओगे, अगर उधर से आपने 30 नंबर 25 नंबर भी कर लिया तो 80 से लेके 82 नंबर तक आप स्कोर कर लो, आपका हो जाएगा यांत्रिक में। डीबी का तो कुछ नहीं कहना, सेक्शन वन मैं ही पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट, आप निश्चिंत रहो हमारे पेड बैचेस से पढ़ रहे हो तो, अदरवाइज कहाँ से पढ़ना मैं बताऊंगा इसी के अंदर, टेंशन नहीं लो। अगर जीडी वालों, अगर आप सेक्शन टू की तैयारी के बारे में चिंतित हो, सेक्शन वन आप मेरे से या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, सेक्शन टू के बारे में, अगर देखो जीडी आपने तभी भर रखा होगा जब आपने 12th का मैथ और फिजिक्स आपके अच्छे होंगे, 12th के मैथ और फिजिक्स अच्छे हैं, और मैथ और फिजिक्स अब आपके अच्छे हैं, समझ में आता है, तो 12th में जो आपने पढ़ा है उन चीज़ों का रिवीजन करते रहो, डैट इज क्लियर, उन चीज़ों का रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो,
ठीक है, जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है वन लाइनर क्वेश्चंस बनाते रहो, एनसीईआरटी की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको बनाते रहो, जीडी का सेक्शन टू इजीली क्लियर हो जाएगा। जीडी का सेक्शन टू कुछ हटके नहीं होता है, एनडीए के क्वेश्चंस बना लो आप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो मिल रहे बना लो आप, कोस्ट गार्ड के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको बना लो आप, बुक बहुत सारे मिल जाते हैं सेक्शन टू के, इजीली हो जाएगा। अगर हम सेक्शन वन के बारे में पढ़ लें कि वो कहाँ से स्टार्ट करना है, बुक्स के बारे में बता दो। अगर आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, इंग्लिश सोच रहे हो, अगर आप मैथ सोच रहे हो, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप रीजनिंग सोच रहे हो, अगर आप साइंस सोच रहे हो, अगर आप जीके सोच रहे हो, तो इंग्लिश आपको पढ़नी है वो केडी पब्लिकेशन से बुक से पढ़ो, ठीक है, केडी पब्लिकेशन बाय नीतू मैम से। आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे तो किस तरीके से स्टार्ट करोगे, जो चैप्टर आपको ईजी लग रहा है वहां से स्टार्ट करो। साथ में वो कैब में आपको डेली बेसिस पे बांट लेना कि 10 एंटोनिम्स याद करने मेरे को, 10 सिनोनिम्स याद करने मेरे को, 10 वन वर्ड याद करना मेरे को, 10 ईडीएम याद करना एक दिन के अंदर, 40 वो कैब मेरे को किसी भी हालत पे याद करना, बिकॉज इंग्लिश के अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं, इनको अगर लाइटली ले लेंगे तो पूरा एग्जाम मेरे को लाइटली ले लेगा, दैट इज क्लियर। अगर कोस्ट गार्ड के अंदर आपको रिजल्ट लेना है तो हम खिलवाड़ करेंगे जीके के साथ थोड़ा बहुत, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकते खिलवाड़, क्योंकि हमारे लिए ईच एंड एवरी सेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो सीन है कि आपको किस तरीके से वो कैब रेफर करना है कि 10 आपको एंटोनिम एक दिन के अंदर याद करने हैं तो करने हैं, 10 सिनोनिम करने हैं तो करने हैं, केडी पब्लिकेशन के अंदर भी है ये सब चीजें, 10 आपको एडीएम और 10 एंटोनिम्स वन वर्ड सिचुएशन करने हैं तो करने हैं, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो, बुक से पढ़ रहे हो तो इतना हार्डवर्क करना है, और एक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो, किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी बैचेस से नहीं पढ़ रहे हो तब, और एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ने के बाद उस बुक के एंड में क्वेश्चंस प्रैक्टिस दे रखे हैं उनको, आपको पूरा उस ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर को पूरा लगाना है। ऐसे ही इस सीक्वेंस को फॉलो करो, वन मंथ के अंदर एक बुक को खत्म करो, एक महीने में पूरे ग्रामर को वन मंथ के अंदर खत्म किया जा सकता है, वन मंथ के अंदर वोकैबुलरी खत्म नहीं होगा, आप दो मंथ लगा दो खत्म हो जाएगा अगर इसी बेसिस पे तैयारी करते जाओगे तो, ठीक है। एक दिन में 40 करोगे, 30 दिन में कितना करोगे, 1200 करोगे, और दो महीने में 2400 करोगे, बहुत बहुत सफिशियंट होगा आपके लिए, इतना करो आपके एग्जाम तक पूरा वोकैबुलरी खत्म हो जाएगा बुक का। और हाँ, अगर ये चीजें आपको क्लियर है कि ग्रामर किस तरीके से पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, अगर ये चीजें समझ नहीं आ रहे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में खाली एक ना रैंडम सा रीडिंग देना है। अगर टेंस चैप्टर पढ़ रहे हो तो टेंस के रूल्स को आपको रीड करते जाना बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ रहे, बस इस तरीके से पढ़ना ना कि उसके मतलब हमको समझ में आए। उसके बाद क्वेश्चंस करो, हो सकता है कि चीजें 30% चीजें समझ में आए फर्स्ट बार में, आपने एक महीने में एक बार खत्म कर लिया, नेक्स्ट मंथ में आप एक महीने में दो बार उस बुक को पढ़ के खत्म करोगे ग्रामर सेक्शन को, अगले दो बार जब आप अगले मंथ में जब उस बुक को दो बार पढ़ोगे तो जहां तक मेरे को उम्मीद है 60% तक चीजें क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर का यही एक बहुत भयंकर सब चीज है, अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो वो चीजें आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, 30% तक चीजों को आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, ठीक है, डाइजेस्ट कर पाओगे, अगली बार जब पढ़ोगे तो आधे टाइम में उस चीज को पढ़ पाओगे, और एक महीने के अंदर दो बार ग्रामर को खत्म कर पाओगे, पूरे बुक को आराम से कर लोगे, 15 दिन के अंदर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 15-16 चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के, एक महीने में कर लेंगे हम लोग। तो मैं बता रहा हूँ कि आप आराम से एक महीने में दो बार उसको डाइजेस्ट करके 60% चीजों को खत्म करोगे। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ अटेम्प्ट होने वाला है थर्ड मंथ में, हम 90% चीजों को खत्म कर देंगे जो कि हमारा सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है, क्योंकि केडी पब्लिकेशन के 100% चीजों को ना तो अभी तक किसी एसएससी टॉपर ने भी कवर कर पाया ना तो आप कर पाओगे, वो भी डाउट में रहता है बंदा कहीं ना कहीं चीजें हैं। तो आप कोशिश करो 70-80% चीजों को ग्रैब करो, आपका काम बन जाएगा इंग्लिश में। मैथ के लिए आप बुक पे जाके डिपेंड नहीं हो सकते, किसी ना किसी का पेड बैचेस ज्वाइन कर लो, या फिर मेरा कर लो, या फिर किसी का भी कर लो, पहले तो पेड बैचेस से पढ़ लो या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर लो, उसके बाद बुक प्रैक्टिस करना है। तो बुक तो आपको पहले तो एसएससी की प्रीवियस ईयर लगा लो, उसके बाद हमारे पीवाई के हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं पीडीएफ आते हैं आएंगे जब एग्जाम के टाइम पे, उनको ले लेना, बिकॉज एसएससी में कुछ चैप्टर्स मिसिंग रहेंगे जो कोस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं, वो हमारे पीडीएफ में रहेंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगा। मैथ वहीं से पढ़ना जो कोस्ट गार्ड स्पेशल हो, क्योंकि कोस्ट गार्ड की मैथ थोड़ी सी एसएससी से अलग है, एयरफोर्स वाई ग्रुप से थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप पेड बैचेस से पढ़ो, रीजनिंग के लिए आप चाहो तो फ्री भी पढ़ पाओगे, किसी की बैचेस लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, YouTube पे मैंने इतना सारा चैप्टर्स पढ़ा रखा, वहीं से पढ़ लो के काम बन जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हमारी पीडीएफ जब आएगी वहां से पढ़ लोगे, पीडीएफ अभी नहीं, पीडीएफ बन रही है, एक महीने में बन जाएगी। साइंस के लिए अगर कहो, रीजनिंग के लिए कोई बुक मत खरीदना बेवकूफी, अगर हमारी 900 की बैचेस लेते हो तो उसी में हम लोग पढ़ा देंगे, नहीं भी लेते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी वीडियोज पढ़ी है, पढ़ लोगे। साइंस के लिए तो बुक पढ़ना पड़ेगा, या फिर पेड बैचेस से जाओ या फिर बुक से जाओ, पेड बैचेस से जाते हो हमारी या फिर किसी से भी तो ठीक है, हमने बेसिक से पढ़ा रखा। अगर आप
बुक से जाना चाहते हो साइंस की, तो लूसेंट की साइंस की बुक आती है, ठीक है, लूसेंट साइंस बुक आती है, स्पेशली साइंस की आती है, उसको ग्रैब करो बढ़िया से। बायोलॉजी को पूरा तरीके से स्किप नहीं करना है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में, बायोलॉजी में कुछ चीज़ें पढ़नी है, विटामिन, ब्लड सिस्टम, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी किस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा आपको विटामिन के बारे में पढ़ लेना है, एटलीस्ट इतने डिजीज के बारे में पढ़ लेना है, इतना चीज़ पढ़ लो आपका बायोलॉजी में काम चल जाएगा। बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स आपके मेंशन है पूरा अच्छे से उसको एक बार रीड आउट करो, ठीक है, पढ़ो बढ़िया से। उसके बाद जीके के अंदर क्या पढ़ना है, जीके के अंदर कुछ चीज़ें पढ़नी है, जीके में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लो, इसके लिए तो हमारी PDF आएगी, उनको पढ़ लेना, काम बन जाएगा, जीके का टेंशन नहीं लो। 5 नंबर का जीके आता है, 5 नंबर के जीके के लिए बहुत ज़्यादा हाईवे नहीं करना है, बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे PDF के अलावा लूसेंट जीके जो अलग से आता है ना, उसका विविध जो होता है लास्ट में मिसलेनियस होता है, उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहां से काम बन जाएगा। सेक्शन 1 सबके अंदर आएगा GDB यात्री, और मैं हर बार कहता हूँ सेक्शन 1 जो होता है ना गेम चेंजर होता है। विदाउट सेक्शन 1 में आप 50+ स्कोर की ये रिजल्ट नहीं ले पाओगे। बोलो कैसे? देखो अगर मैं बात कर लूँ, सेक्शन 1 होता है 60 नंबर का, बाकी के सेक्शन 2, 3, 4, 5 होते हैं 50 नंबर के। अगर मैं ये बोलूँ अगर आप इसी में 40 नंबर लेते हो, इसमें आप अगर 20 नंबर ले पाते हो, 30 नंबर ले पाते हो, मान लो 30 ही नंबर ले पाते हो, तो आप मैक्सिमम 70 स्कोर कर पाओगे, जहां तक सिलेक्शन की चांसेस लो है, ठीक है। अगर मेरे को प्योर सिलेक्शन लेना है, इसमें तो 50 में 50 स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें चलो अगर सक्षम हो 45+ स्कोर करने की, तब इसमें 40 स्कोर करो, ठीक है, आपके 85 आएंगे, इजिली आप सेलेक्ट हो जाओगे। बट सेक्शन 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर अगर आपके पास सक्षम हो, 3, 4, 5 के अंदर, यहाँ 45 स्कोर कर पाओगे, बहुत बड़ा, 100 में से एक या दो ही कर पाते हैं, बाकी डिपेंडेंट होते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। तो मैं बोलता हूँ ये मैं कराता हूँ 50+ किसी भी, 50+ यहाँ से कर लो और 30 नंबर यहाँ से कर लो, 30 से 32 नंबर सिलेक्शन किसी के माई के लाल से नहीं रुकने वाला आपका। मैं 55 नहीं कह रहा हूँ भाई, आप इसके अंदर 30 स्कोर करो अपने दम पर, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर करके, बाकी तो मैं 50 और 55 के बीच में मैं स्कोर करा दूंगा। अगली जो कोस्ट गार्ड की वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं दिखा दूंगा हमारे बच्चे 50+ और 54, 55 कैसे स्कोर करते हैं, ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। बाकी पेड बैचेस एक बार ज्वाइन करके ट्रस्ट करके पढ़ो, प्राइस के ऊपर मत जाओ। मैं यही चीज़ कहूंगा कि देखो 400-500 की बैचेस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा का पूरा साल गवा दो। बाकी आपका पैसा, आपका आपका मतलब कैरियर आपके हाथ में, आपको जहां इन्वेस्ट करना करो, डेट इज़ योर जो है ना मतलब चॉइस, ठीक है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी रिजल्ट आपके सामने है, चाहे हमारे स्टूडेंट का हो, चाहे आपके गुरुजी का हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका हो। हम पहले खुद कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एफकार्ड जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। जब हम ही नहीं क्रैक करेंगे तो आपको क्या पढ़ाएंगे? तो पहले खुद एक बार तय कर लो जो आपको पढ़ा रखा है उसके अंदर भी एफिशिएंसी है कि नहीं, वो कैलिबर रखता है कि नहीं, कि खुद एग्जाम क्रैक करें। ऐसी हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिलहाल डाउनलोड करो डिजिटल स्टडी ऐप, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिपा बाय, वीडियो क्रैक करके शेयर कर देना, और जो नंबर दे रखा है 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लेना अगर पेमेंट करने वगैरह से कोई भी रिलेटेड आपको इशू आए तो।